आज हम अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ये देखेंगे। तो सल्फर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है कि सल्फर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाया है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है धातु अधातु है सल्फर उसका ऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाता है H2SO4 बनाता है, अम्ल। इसी प्रकार अधिकतर अधातु के ऑक्साइड के जली विनियल अम्लीय होते हैं, इसमें भी बताया गया है। जैसे अधातु के जो ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है और जल से अभिक्रिया कर कार्बनिक अम्ल बना है H2CO3 जो कार्बनिक अम्ल बना है ये भी एक अम्ल ही है, किंतु सभी अधातु है वो उसके ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो अम्ली नहीं होते। जल हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है और इसकी जो प्रकृति है वो उदासीन है, क्योंकि जल भी एक हाइड्रोजन का ऑक्साइड है लेकिन ये उदासीन प्रकृति का होता है। अर्थात सभी जो अम्ल है उसकी जो प्रकृति है धातु के ऑक्साइड की वो अम्लीय नहीं होते, ठीक है, ये भाई ध्यान में रखना है। लेकिन अधिकतर जो अधातु के जो ऑक्साइड की प्रकृति है वो अम्लीय होती है। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख अधातु में सम मेजर नॉन मेटल्स इसके बारे में देखेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन नामों पर ध्यान देना है, और ध्यान दीजिए क्या आपको इनमें से कोई समानता दिखाई देती है। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन सभी नामों के अंत में GEN यानी जन लगा हुआ है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। वास्तव में जन उन ग्रीक भाषा के जेनेस यानी जेनेस शब्द से, जेनेस ये जो जन है वो ग्रीक भाषा के जेनेस से लिया गया है जिसका अर्थ है बनाने वाला, जेनेस का अर्थ है बनाने वाला। जैसे हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो जिसका अर्थ है पानी तथा जेनेस अर्थात बनाने वाला। इस प्रकार हाइड्रोजन का अर्थ है जल बनाने वाला, ठीक है। जब ऑक्सीजन की खोज हुई तो यह माना जाता था कि इसे अम्ल ऑक्सी बनते हैं अर्थात अम्ल बनते हैं, और इस आधार पर ही इस तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया गया, ठीक है। पृथ्वी की लगभग 70% सतह पर जल है तथा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। हमारे आसपास की वायु में लगभग 78% 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, ठीक। इसलिए इन तत्व जो तीनों तत्वों को वायु और जल के तत्व भी कहा जाता है। कार्बन के साथ मिलकर ये तत्व जो तीनों तत्व है वो अनेक यौगिक बनाते हैं जो जीवन का आधार है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इसके बारे में। तो हाइड्रोजन है क्या ये जानेंगे थोड़ा सा। प्रायः किसी नए तत्व की खोज तभी मानी जाती है जब उसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की जांच की गई। सन 1671 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट वायल, उन्होंने देखा कि आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो गैस बनती है यह अत्यंत ज्वलनशील है, परंतु उन्होंने इसका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन नहीं किया और वे ये नहीं समझ सके कि यह एक नया तत्व है। इसी प्रकार कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार भी धातुएं अम्ल है वो धातुएं जो है अम्ल में विलेय होती है और इस प्रक्रिया में एक ज्वलनशील गैस निकलती है, ठीक। हेनरी जो कैवेंडिश है इन्होंने सन 1776 में पहली बार सिद्ध किया कि यह गैस अन्य गैसों से भिन्न है और इसलिए हाइड्रोजन की खोज का श्रेय इन्हें पहले दिया गया। उन्होंने ही इस गैस और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनाया जिस आधार पर लावा जी जो है उन्होंने इसे हाइड्रोजन नाम दिया, ठीक है, यानी 1776 में हेनरी कैवेंडिश ने इसको सिद्ध किया था। ब्रह्मांड में जो 93% 93% हाइड्रोजन है, हमारे आसपास हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस
यानी H2 परमाणु गैस H2 है के उसके रूप में उपस्थित है। शुद्ध हाइड्रोजन अणु पृथ्वी पर बहुत ही कम मिलते हैं, ये अधिकतर यौगिक के रूप में ही पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है तथा अत्यंत ज्वलनशील भी है। हमने पिछली कक्षा में इसकी जो समस्थानिक है उसके बारे में कुछ अध्ययन किए थे। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, इनमें क्रमशः प्रोटियम और दूसरा है ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन तथा तीसरा है ट्राइटियम। इसका जो समस्थानिक है उसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये कहा जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और इसका जो सापेक्षिक परमाणु भार भी है वो भी 1 ही है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। हाइड्रोजन का जो बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका क्या है, इसको बनाते हैं तो पहला प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने के लिए, यानी हाइड्रोजन जो गैस है उसके लिए दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अम्ल एवं क्षारक जो अध्याय उसमें हमने देखा है, उसमें हाइड्रोजन बनाने की विधि के बारे में पढ़ा। इस अभिक्रिया का जो संतुलित समीकरण है इस प्रकार है, जैसे जिंक है ZnS+2HCl, अर्थात ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जिंक है दानेदार, उसका जब अभिक्रिया कराई जाती है ZnCl2+H2 ये गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार हम क्षार से भी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कि जिंक ये है ZnS यानी दानेदार जिंक है, वो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH से अभिक्रिया करता है तो वो सोडियम जिंक के लवण बनाता है Na2ZnO2, ये सोडियम लवण है और हाइड्रोजन गैस बनता है इसे H2 ये बन जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, दो मुहाने वाला जो बॉटल है, ये दो मुहाने वाला जो बॉटल है उल्फ बोतल लेते हैं, इस उल्फ बोतल में दानेदार जिंक डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद दानेदार जिंक डालने के बाद इसमें एक मुहाने में थिसिल की लगा देते हैं और कारकस की बंद है, उसके बाद कार्क इसमें भी लगा है, सेकेंड जो उसके मुहाना है उसमें छेद करके एक में निकास नली जोड़ देते हैं और निकास नली के ये कांच का निकास नली बना है, कुछ भाग को रबर की पाइप से लगा करके पानी से भरे जो ट्रफ है, ये पानी से भरा है, इस पानी से भरे ट्रफ में भी पानी से भर करके एक परत नली को उल्टे करके लगा देते हैं और इसकी जो निकास नली है उसके दूसरे मुहाने को इस उल्टे लगे हुए जो बर्फ नली है उसके मुहाने से जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर ये उल्फ बोतल है उसमें दानेदार जो जिंक डला है, थिसिल की सहायता से तनु HCl को धीरे धीरे जब डालते हैं तो उसमें बुदबुदाहट के साथ जो गैस निकलती है जो निकास नली से होते हुए पानी से भरे जो उल्टे परख नली है उस पर जा करके ऊपर इकट्ठे होते जाता है जो H2 गैस है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको प्राप्त करते हैं गैस। ठीक है, इसमें कुछ सावधानी रखना जरूरी है हाइड्रोजन गैस बनाते वक्त कि हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय यदि उसमें हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आए, ये हवा के संपर्क में आते ही क्या करता है या हवा में मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आते ही मिश्रण में विस्फोट हो जाता है। ठीक है, अतः गैस को सावधानीपूर्वक एकत्रित करें तथा परीक्षण के लिए जलती माचिस की जो तीली है परख नली के अंदर न डालें। ठीक है, बल्कि इसके मुहाने के पास ही रखें। ठीक है, और जैसे इसके मुहाने के पास ले जाएंगे तो पॉप की जो आवाज़ आती है ये हाइड्रोजन गैस की अत्यधिक तीव्र ज्वलनशील की है उसका एक टेस्ट है, उसको सिद्ध करता है। अब हम देखते हैं जो हाइड्रोजन है उसके कुछ रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसका के कोष है यानी के कक्ष है उसमें उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन समूह एक के तत्व में समान एक इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन बना सकता है, यानी हाइड्रोजन है जो समूह एक के तत्वों के समान एक इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन बना सकता है। हाइड्रोजन के
लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एच ऋण आयन भी यानी हाइड्राइड आयन जो है वो बनाने की क्षमता होती है, यानी वो बनाना भी इसमें संभव है। इस प्रकार वह हाइड्रोजन समूह के तत्वों से भी समानता रखता है। इसलिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को समूह एक और समूह 17 दोनों में रखा जा सकता है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसलिए इसे हाइड्रोजन को समूह एक के शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को वर्ग एक में रखने के कारण, समूह एक में रखने का कारण यही है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के समान भी एच प्लस ऋण आयन यानी हाइड्राइड आयन और धन आयन दोनों बनाने की क्षमता होती है, यानी उसमें गुण है, क्षमता नहीं गुण। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ धातुओं के साथ अभिक्रिया जो है, हाइड्रोजन का पहला धातुओं के साथ अभिक्रिया अर्थात धातुओं की अपेक्षा हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक है। धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन संगत हाइड्राइड देता है। जैसे यहाँ देखते हैं ये धातु 2Na यानी सोडियम है और OH2 यानी हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर 2NaH यानी सोडियम हाइड्राइड बनाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम जो धातु है Mg+H2 इससे अभिक्रिया कर MgH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है। तो इस प्रकार धातुओं के साथ ये अभिक्रिया करता है H2 गैस। इसी में देखते हैं दूसरा हैलोजन से अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन की हैलोजन से अभिक्रिया से हैलोजन हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखते हैं हैलोजन हैलाइड में H2G यानी हाइड्रोजन जो गैस है H2G इससे अभिक्रिया करते हैं, ये हैलोजन तत्व H का मतलब होता है हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व में जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये है और आयोडीन भी आता है हैलोजन तत्व में आई, तो ये तत्व है H2 की जगह। तो हैलोजन गैस से अभिक्रिया करके 2XHG यानी ये क्या बनाता है, हैलोजन हैलाइड बनाता है, हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। यानी यहाँ पर X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि हैलोजन तत्वों को रख सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर जैसे H2 है तो हेलो ब्रोमाइन हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हेलो ब्रोमो, हेलो क्रोमो, ये क्लोरो ये बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा इसका जो है अपचयन अभिक्रिया कैसे होता है, हाइड्रोजन का अपचयन अभिक्रिया, ये इसका अपचयन है हाइड्रोजन गर्म धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर उन्हें संगत धातु में अपचयित करती है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जैसे कॉपर ऑक्साइड है सॉलिड अवस्था में है CuO+H2 ये भी गैस अवस्था में है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस से कॉपर ऑक्साइड 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर अलग हो जाता और H2O ये गैस के रूप में अलग हो जाता है, अर्थात इसका अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार आयरन है, आयरन के ऑक्साइड Fe3O4 है, तो ये 4H2 गैस से अभिक्रिया कर 3Fe आयरन अलग हो जाता है, 4H2O ये गैस के रूप में वाष्प के रूप में अलग हो जाता है। ये हाइड्रोजन जो द्वारा धातु हैलाइड का भी अपचयन संभव है। जैसे ये है धातु हैलाइड में, इसमें 2Ag सिल्वर क्लोराइड जो है H2 गैस से अभिक्रिया करता है और ये सिल्वर अलग हो जाता है, 2HCl अलग हो जाता है, यानी अम्ल और सिल्वर वो अलग अलग हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हाइड्रोजन द्वारा धातु के हैलाइड का अपचयन भी संभव है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के उपयोग, यूज ऑफ हाइड्रोजन। तो यूज ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे इसका कुछ पॉइंट है, यूज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की कुछ उपयोगिता है, इसमें पहला देखेंगे तो पहला उपयोगिता है धातु कर्म में गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु प्राप्त की जाती है। जैसे टंगस्टन तथा मॉलिब्लेडन धातु प्राप्त करने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि के औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। ठीक है, तीसरा इसका उपयोग है कार्बनिक रसायनों के उत्पाद में भी हाइड्रोजन आवश्यक है, बड़े पैमाने पर मैथेनॉल बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। चौथा इसको उपयोग है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति कोशिका के निर्माण में, अर्थात वनस्पति तेलों में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध पाए जाते हैं जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर एकल बंध में बदल जाता है और वनस्पति कोशिका
बनती है। इस प्रकार हाइड्रोजन का उपयोग है। पांचवा उपयोग है ईंधन सेल में हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा इसमें प्रदूषण कम होता है, इस प्रकार हाइड्रोजन का उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन, अर्थात नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि बना रासायनिक प्रयोगशाला में बनाने की विधि है, रासायनिक गुणधर्म है, उसको उपयोगिता है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।